हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड नोजल्स। तो चलिए बात करते हैं फ्लूइड नोजल्स के बारे में। तो फ्लूइड नोजल्स आप समझ ही गए होंगे कि जो जिस नोजल से आप फ्लूइड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर वो आपका एटमॉस्फेयर में एग्जिट हो रहा है, तो वो नोजल आपका क्या कहलाएगा? फ्लूइड नोजल कहलाएगा। और यहीं पे अगर हम एयर को इंट्रोड्यूस करते तो वो हमारा क्या होता है? एयर नोजल कहलाता। तो फ्लूइड नोजल भी हमारा क्या है? जैसे एयर नोजल में आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होल्स दिए होते हैं और उन होल्स से हम एक पैटर्न को क्रिएट करते हैं और फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन को डायरेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो फ्लूइड नोजल है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे होल्स की सीरीज नहीं होती है, बट यहाँ पर हमारी एक सिंपल फ्लूइड निडल होती है, उसके थ्रू हम फ्लूइड को सप्लाई करते हैं। और फ्लूइड नोजल के थ्रू हम कितना अमाउंट ऑफ पेंट आपको प्रोवाइड करना है उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड नोजल में। जो हमारा फ्लूइड नोजल होता है, देखिए द फ्लूइड नोजल एंड निडल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ कोटिंग मटेरियल डिलीवर्ड एट द स्प्रे टिप। तो जो हमारा फ्लूइड नोजल होता है और निडल, दोनों कॉम्बिनेशन, अब देखिए नोजल क्या है, यहां से तो हमारा फ्लूइड क्या होगा, एग्जिट करेगा, लेकिन जहां से कंटेनर से आपका फ्लूइड नोजल तक पहुंचेगा, यानी कि जो आपका फ्लूइड है, ये मान लीजिए आपका कंटेनर है और यहां पर आकर आपकी मान लीजिए कोई भी स्प्रे डिवाइस लगी हुई है इस तरह से, तो यहां पर अगर आपका फ्लूइड नोजल है तो इस नोजल तक, यहाँ से तो मैंने आपको बताया कि हम कितना अमाउंट ऑफ पेंट आपको यूज करना है उसको यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं नोजल के थ्रू, लेकिन नोजल से और कंटेनर से, यानी कि कंटेनर से फ्लूइड को नोजल तक पहुँचाने के लिए हमारी एक पाइपलाइन लगी होती है, उसके थ्रू हम फ्लूइड को पहुँचाते हैं। इसी तरह से एयर नोजल में था कि कंप्रेस्ड एयर को अगर आपको एयर नोजल तक पहुंचाना है तो वहां पर भी आपकी एक लाइन दी गई होती है। तो यहाँ पर जो आपकी लाइन होती है दैट वो हमारी एक निडल लगी होती है, और निडल और फ्लूइड नोजल, निडल और नोजल दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या करता है, वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, यानी कि स्प्रे टिप पर आपको जितना भी मटेरियल का वॉल्यूम प्रोवाइड करना है वो सिर्फ निडल से ही एडजस्ट नहीं होगा, वो आपके ना ही तो सिर्फ नोजल से एडजस्ट होगा, वो निडल और नोजल दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एडजस्ट होगा। निडल से आपका क्या होगा कि कितना आप अमाउंट सेंड कर रहे हैं कंटेनर टू नोजल, और नोजल से क्या होगा कि आपका प्रॉपरली जितना अमाउंट आपको स्प्रे पैटर्न में यूज करना है उसे हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं नोजल के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपकी फ्लूइड निडल है, जैसे पहले मैंने आपको स्प्रे गन के बारे में समझाया था कि फर्स्टली हम जब स्प्रे गन को ट्रिगर करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपकी जो एयर है वो आपकी एयर नोजल तक पहुंच जाती है। सेकेंडली जब आप दोबारा से पुल बैक करते हैं ट्रिगर को, तो आपका जो फ्लूइड निडल है वो आपकी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, और फ्लूइड आपका क्या होता है, निडल तक पहुंचने लग जाता है। और जैसे ही आप ट्रिगर को रिलीज करते हैं, व्हेन द ट्रिगर इज रिलीज्ड, द निडल स्लाइड्स बैक इनटू प्लेस एंड शट्स ऑफ द फ्लो। तो
स्प्रे गन में जो मैंने आपको बताया तो वहां पर हमने क्या किया था कि जो ट्रिगर जैसे ही आप फर्स्टली ओपन करेंगे तो एयर आपकी पहुंच जाएगी एयर नोजल तक, और सेकंडली जब आप उससे और ज़्यादा ट्रिगर करेंगे बैक साइड पे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आपका जो फ्लूड है वो क्या होगा आपकी निडल तक पहुँचने लग जाएगा। तो जैसे ही फ्लूड निडल तक पहुँचने लग जाएगा उसके बाद आपकी जो एयर है और फ्लूड है वो दोनों क्या करेंगे आपस में रिएक्ट करेंगे, और जो कंप्रेस्ड एयर है वो फ्लूड के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, और उसकी वजह से फ्लूड और एयर के बीच में क्या होगा फ्रिक्शन क्रिएट होगा जिससे आपका एक स्प्रे पैटर्न तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ स्प्रे आपका हो चुका है या जितना आपको स्प्रे पैटर्न चाहिए था उतना आपको प्रोवाइड हो चुका है तो हम क्या करते हैं ट्रिगर को रिलीज कर देते हैं, यानी कि ट्रिगर को हम छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो फ्लूड नीडल था जहाँ से आप फ्लूड कंटेनर से जो पेंट आपका फ्लूड नीडल तक पहुँच रहा था वो क्या होता है वहाँ पर शॉर्ट ऑफ हो जाता है, और नीडल में जो आपका पेंट होता है वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, वो आगे की ओर रिलीज नहीं होता है। तो आपका जो एटोमाइजेशन अकर होता है गन की टिप पर तो वहाँ पर आपकी जो कंप्रेस्ड एयर है वो क्या करती है फ्लूड नोजल में, यानी जैसे ही फ्लूड नोजल से आपका पेंट बाहर निकलेगा तो वो कंप्रेस्ड एयर क्या करेगी उस पर अटैक करने लग जाएगी और उसके साथ फ्रिक्शन क्रिएट करके आपका स्प्रे पैटर्न रेडी कर देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स इसमें आते हैं आपके फ्लूड नोजल में तो इसमें आपका देखिए जो हम फ्लूड नोजल को सिलेक्ट करते हैं यानी कि जो हम सिलेक्शन करते हैं फ्लूड नोजल का सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लूड नोजल इट डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द कोटिंग मटेरियल एंड ऑल्सो द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एटोमाइजेशन। तो अभी तक तो हमने फ्लूड नोजल और फ्लूड नीडल के बारे में समझा कि किस तरह से ये आपके वर्क करते हैं और किस तरह से ये आपके ओपन होंगे किस तरह से आपके ये शट ऑफ होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है जो फ्लूड नीडल है और जो ये नोजल इनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, और ये साइज जो होता है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, और ये जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड्स होता है किसके ऊपर, पहला कि जो आप कोटिंग करने के लिए मटेरियल यूज कर रहे हैं जो आप कोटिंग करने के लिए पेंट का यूज कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी कैसी है, दूसरी चीज आपको जो एटोमाइजेशन चाहिए वो किस लेवल का चाहिए। तो इन दोनों पे ही आपका डिपेंड होता है सिलेक्शन ऑफ फ्लूड नोजल और फ्लूड नीडल। अगर आपका लो विस्कस पेंट मटेरियल है तो वहां पर आपकी जो फ्लूड नीडल है तो उसका साइज आपका कम भी हो सकता है, और यहीं पर अगर हाई विस्कोसिटी मटेरियल तो आपको पेंट आपका क्या होगा फ्लो होने में रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, इस वजह से आपको साइज बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से फ्लूड नोजल का भी साइज आपका क्या होता है चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्या है जो आपका ये फ्लूड नोजल यूज किया जाता है तो ये फ्लूड नोजल आपके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बनते हैं, तो जिस तरह से आपका पेंट होगा उसी पेंट के अकॉर्डिंग आपका फ्लूड नोजल का मटेरियल यूज किया जाता है। तो जो आपकी हार्डेंड स्टील होती है तो हार्डेंड स्टील अगर आपकी यूज की जाती है फॉर द फ्लूड नोजल तो ये हमारी किसके लिए प्रेफर की जाती है सॉल्वेंट बेस्ड पेंट के लिए, यानी कि अगर आपका सॉल्वेंट बेस्ड पेंट है तो उसके लिए जो फ्लूड नोजल होगा वो किससे आपका प्रिपेयर किया गया होगा हार्डेंड स्टील से। इसी तरह से अगर आपका कोई भी मटेरियल एब्रेसिव टाइप है अगर आपका एब्रेसिव टाइप मटेरियल है तो उसके लिए जो आपका फ्लूड नोजल होगा
वो किसी भी अलॉय का बनता है। अलॉय यानी कि जो भी आपकी मिश्र धातु है तो उसका हम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, एक आपका मटेरियल है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील। तो ये जो आपका स्टेनलेस स्टील है, तो फ्लू नोजल जब आपका स्टेनलेस स्टील का बना होगा तो ये हमारे वाटर बोर्न यानी कि जो हमारे वाटर बेस्ड पेंट होते हैं तो उन्हें कोट करने के लिए आपका स्टेनलेस स्टील का फ्लूड नोजल प्रिपेयर किया जाता है। अब ये क्यों इस तरह से हम चेंज करते हैं, मटेरियल हमारे क्यों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जैसा वाटर बोर्न कोटिंग है आपकी, तो वाटर की वजह से क्या होगा, आपका कोरोजन होने की संभावना ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटीज ऑफ कोरोजन की वजह से हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल लेते हैं ताकि आपका कोरोजन या फिर रस्ट ना उत्पन्न हो। इसी तरह से एब्रेसिव मटेरियल है तो उसके लिए अलॉय, और अगर सॉल्वेंट बेस्ड है तो उसके लिए हम हार्डन स्टील का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के फ्लूड नोजल प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके अलावा जो अगला जो हमारा पॉइंट है, तो इसमें जो हमारा नोजल होता है, तो नोजल में मैंने अभी आपको बताया कि साइज डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन नोजल का वो पॉइंट जहाँ से आपका फ्लूड एग्जिट होगा तो वहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के ओरिफाइस प्लेट लगी होती हैं ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूड को एटमॉस्फेयर में या फिर सरफेस के ऊपर प्रोवाइड कर सके। तो नोजल हमारा, अगर बात करें नोजल विद अ स्मॉलर ओरिफाइस, इट वर्क विथ ऑरिफाइस विल वर्क विथ फाइन एंड लोअर विस्कोसिटी, फाइन एंड लोअर विस्कोसिटी। और नेक्स्ट हमारा है इसी पॉइंट, लार्जर नोजल फॉर हाई विस्कस मटेरियल। यानी कि अगर जो नोजल है हमारा वो स्मॉल एरिया का है, यानी कि हमारा स्मॉल ओरिफाइस यूज किया गया है नोजल में, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि जो आपका पेंट है उसकी विस्कोसिटी कैसी यूज की जाएगी, वहां पर लो यूज की जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपका नैरो एरिया होगा ओरिफाइस का तो वहां से जितनी भी लो विस्कस मटेरियल वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। और अगर आपने हाई विस्कोसिटी के लिए स्मॉलर ओरिफाइस को लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगी, हाई विस्कोसिटी मटेरियल फ्लो में रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल ओरिफाइस से वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हाई विस्कस के केस में हम क्या लेते हैं, लार्जर नोजल लेंगे और ओरिफाइस का एरिया भी आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और लो विस्कस के केस में, और अगर आपको बिल्कुल फाइन एटोमाइजेशन क्रिएट करना है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, स्मॉल ओरिफाइस का यूज करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी ओरिफाइस की रेंज डिफरेंट डिफरेंट होती है और किस तरह से हमारा जो पेंट की विस्कोसिटी है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू ओरिफाइस रेंज। तो जो हमारे फ्लूड टिप पर, जो फ्लूड नोजल पर आप ओरिफाइस का यूज कर रहे हैं जिससे आपका फ्लूड एग्जिस्ट होगा सरफेस के ऊपर, तो उसकी रेंजेस आपकी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे देखिए 0.022 से लेकर 0.028 तक की अगर आपकी ओरिफाइस की रेंज है तो आपका क्या होगा, जो विस्कोसिटी होगी बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि कम जितनी विस्कोसिटी कम होगी तो उतना ही आप कम ओरिफाइस की रेंज लेंगे ताकि आपका फ्लूड आसानी से फ्लो हो सके। और जैसा आपके सॉल्वेंट होते हैं या स्टेन्स होते हैं तो इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो ये आपके आसानी से स्मॉल ओरिफाइस से फ्लो कर सकते हैं। इसी तरह से जब इससे और थिन और ज़्यादा आपके थिक होने होते चले जाएंगे
तो उस कंडीशन में साइज रेंज भी आपकी क्या होती जाएगी, इस तरह से थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो जैसा आपके लैकर होते हैं और प्राइमर होते हैं, ये सॉल्वेंट और स्टेन की तुलना में थोड़े थिक होते हैं, तो इनके लिए साइज रेंज आपकी बढ़ जाएगी। वॉर्निश है या यूरेथेन्स वगैरह है तो ये और थिक हो गए, जैसे ये मीडियम के केस में आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो साइज रेंज है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से देखिए, बहुत ज्यादा हैवी के लिए आपकी साइज ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे ओरिफाइस के साइज क्या होते हैं, चेंज होते हैं।